वेलकम टू आवर चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लॉजिक लेके आया हूँ। तो यहाँ पे एक एजुकेशनल सर्किट डायग्राम है जो कि है ऑटोडोर इमरजेंसी ओपनिंग सर्किट। मान के चलिए कि आपके पास दो इमरजेंसी स्विच है, वो भी एनो वाले, जो कि एनो कंडीशन में चलता है। तो डोर पे आपका जो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपका इमरजेंसी कंडीशन में कुछ हो जाता है तो आप इमरजेंसी को प्रेस करके आपको डोर कैसे बंद किया जाता है, और जो उसका स्वैपिंग कंडीशन है, उसके जो स्वैपिंग मशीन है उसको भी बंद होने की कंडीशन में, यानी कि वो अगर किसी वजह से डैमेज हो गया या कुछ हो गया, तो उसी कंडीशन में इमरजेंसी भी अप्लाई करके कैसे आपका डोर को ओपन किया जाता है। यहाँ पे ये एक लॉजिक सर्किट डायग्राम है। तो सिंपल सी बात है, मान के चलिए यहाँ पे आपका जो सप्लाई है ये इंडस्ट्री में आपका यूज होता है 24 वोल्टेज, ठीक है। तो ये मेरा दो स्विच है, तो मैं मान के चलता हूँ ये मेरा दो इमरजेंसी स्विच है। तो अभी ये दो इमरजेंसी स्विच हुआ है, ये दो रिले हैं R1 एंड R2, जो कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, दो स्विच पे चलेगा। यानी कि R1 कंट्रोल करेगा आपका, R1 कंट्रोल होगा आपका स्विच 1 पे, और R2 कंट्रोल होगा आपका स्विच 2 पे। और इन दोनों को जब एक्टिवेट होगा, यानी कि आप जब इसको प्रेस करेंगे, उसी टाइम पे आपका R3 जो है वो आपका ऑन होगा। तो ये ऑपरेट करेगा मेरे गेट की मोटर को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और तो ये जो मोटर है मेरा 110 वोल्टेज का मोटर है, तो मैं इसका जो कंडीशन है पहले शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं, अगर हम लोग इसको चालू करते हैं, तो इसका ड्रॉ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो सर्किट चल रहा है, यानी कि मेरा जो इमरजेंसी स्विच है वो अगर चल रहा है, तो वो 110 वोल्टेज पे भी चल सकता है, या तो 24 वोल्ट पे भी चल सकता है। तो दोनों का सप्लाई भी डिफरेंट होगा, तो कोई इशू नहीं रहेगा। अगर एक डीसी पे चल रहा है और एक एसी पे चल रहा है, अगर मोटर आपका एसी है और आपका जो इमरजेंसी स्विच है, यानी कि आपका जो सर्किट है, जो कंट्रोलर है, वो अगर आपका 24 वोल्ट है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो लॉजिक कुछ ऐसा है, तो लॉजिक पहले कंडीशन देख लेते हैं। अगर कंडीशन मान के चलूँ कि मेरा स्विच मेरा दोनों ऑफ है, यानी कि 0 0 है, ऑफ को 0 को मैं ऑफ लेता हूँ और 1 को मैं ऑन लेता हूँ। अगर दो स्विच, स्विच 1 एंड स्विच 2 अगर ऑफ है, तो 1 उस टाइम पे क्या होगा, मेरा जो रिले है R1 एंड R2 ये दोनों ऑन रहेंगे, तो R3 मेरा ऑफ रहेगा और मोटर मेरा ऑफ रहेगा, यानी कि गेट मेरा क्या होगा उसी टाइम पे बंद रहेगा। गेट हमेशा क्या होता है, बंद होकर रहता है, क्लोज होकर रहता है। अगर उसी टाइम पे मैंने कोई भी एक इमरजेंसी दबाया, या अंदर का स्विच हो या बाहर का स्विच हो, कोई भी इमरजेंसी बटन अगर एक साथ भी दबता है, तो कोई भी दोनों एक साथ अगर ऑपरेट होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा दोनों रिले एक्टिवेटेड होगा। तो रिले जब एक्टिवेट होगा तो R3 भी एक्टिवेटेड होगा, यानी कि ऑन होगा, तो उस टाइम पे मेरा मोटर भी ऑन हो जाएगा। अगर दोनों इमरजेंसी में से कोई भी एक इमरजेंसी, चाहे वो बाहर वाला इमरजेंसी हो या अंदर वाला इनसाइड इमरजेंसी, अदरवाइज एग्जिट, जो एग्जिट में है और एग्जिट गेट का जो स्विच है, कोई भी एक स्विच अगर प्रेस करेंगे, यानी कि स्विच 1 अगर 1 हुआ,
और स्विच टू अगर जीरो हुआ तो उसी टाइम पे भी मेरा आर वाल क्या होगा, जीरो टू वन होगा और वन टू जीरो होगा, वाइस वर्सा पे होगा, तो उसी टाइम पे क्या होगा मेरा आर थ्री भी वन होगा और आपका जो मोटर है वो भी आपका वन होगा। तो कोई भी इसी कंडीशन लॉजिक को लेके ये पूरा कंडीशन मैंने दिया हुआ है, आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होगा। तो अभी क्या है मेरा इमरजेंसी बंद है यानी कि जीरो जीरो है, उसी टाइम पे कोई ए अगर कोई एक स्विच को पहले देख लेते हैं, पहले देखते हैं स्विच वन, तो अभी क्या है मेरा रिले वन अभी मेरा ऑफ है। इसके लिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक और एक इजी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एक छोटा सा इंडिकेटर ले लेते हैं, ये R1 का इंडिकेटर है, और ये R2 का इंडिकेटर है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो अभी दोनों कंडीशन पे मेरा जो स्विच है वो चालू है। इस टाइम पे अगर मैं एक रिले को भी ऑन कर देता हूँ तो अभी क्या है दोनों में से मेरा कोई भी एक रिले दोनों के दोनों एक्टिवेटेड है, यानी कि मेरा इमरजेंसी अभी क्या है चालू है। उसी टाइम पे अगर मैं क्या करता हूँ कोई एक स्विच को भी अगर प्रेस करता हूँ तो R1 मेरा क्या हो गया, रिले आपका ऑफ हो गया, तो यानी कि जीरो हो गया। उसी टाइम पे मेरा जो मोटर है अभी ऑन है, यानी कि मेरा इमरजेंसी खुल गया। मान के चलिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका कोई भी एक कंडीशन चाहे वो एग्जिट हो या आपका आउटर हो, एग्जिट या इनर, कोई भी एक अगर स्विच इमरजेंसी अगर प्रेस होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। उसी कंडीशन पे अगर मैं दूसरे को एक बार प्रेस करता हूँ तो ये भी चालू होता है। तो दोनों में सूरत में अगर आपका किसी वजह से अगर आपका स्वैपिंग कार्ड यानी कि आपका जो एग्जिटिंग कार्ड खराब हो जाता है, मशीन को डैमेज हो जाता है, उसी टाइम पे ये इमरजेंसी स्विच मैनुअल पे काम आता है। उसी टाइम पे अगर मैं दो स्विच को अगर प्रेस करता हूँ तो दोनों स्विच अगर एक साथ भी दबता है तो प्रेस होता है, उसी टाइम पे भी मेरा मोटर कंडीशन पे चालू होता है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा लॉजिक। अभी इसी लॉजिक को हम लोग क्या करते हैं एक सर्किट पे पीसीबी सर्किट पे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सर्किट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैं डबल लेयर तीन साइड वाला बनाऊंगा। ये अभी मेरा एक छोटा सा सर्किट बन गया है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेरे ग्रिड को ज़रा बंद कर देता हूँ। तो अभी देखिए ये मेरा सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसी में हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पूरा का पूरा टेस्टिंग है वो उसको करके देखेंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं एक सप्लाई लाते हैं जो कि हमारा 24 वोल्टेज का सप्लाई है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सप्लाई यानी कि आपका जो कंट्रोलर से जो 24 वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा दो स्विच लगेगा, स्विच वन एंड स्विच टू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दो स्विच यानी कि इनपुट स्विच लेके आते हैं, या तो आप इसको कोई सेंसर भी मान के चल सकते हैं या कोई भी इमरजेंसी पुश बटन भी मान के चल सकते हैं। ये एक स्विच हो गया,
ये एक स्विच हो गया। तो ये मेरा दो स्विच कनेक्शन हो गया है। अभी यहाँ पे मैं 110 का एक सप्लाई देता हूँ। एक सौ दस के बदले मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा सप्लाई यहाँ से लेता हूँ। यहाँ पे हमें एक मोटर अभी कनेक्शन करना है, सॉरी। तो अभी ये मोटर भी हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सर्किट परफेक्टली काम करता है क्या। रियल वर्ल्ड पे देखते हैं, करंट पे भी देखते हैं, लॉजिक के हिसाब से भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों का दोनों स्विच है वो सही तरह से काम कर रहा है सप्लाई के साथ। तो ये था एक छोटा सा लॉजिक और उसमें काम करने वाला सर्किट। तो ये अभी जो है कंडीशन के हिसाब से सही काम कर रहा है। तो मोटर अभी हमारा बंद है। अगर इसमें से कोई भी एक स्विच अगर दबता है तो मोटर मेरा चल रहा है। अगर कोई एक स्विच पे अगर इसमें से बंद रहता है तो ये मेरा
बंद हो गया। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। इस तरह का एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.